हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाखर, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट में हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ. फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके होते हैं, स्ट्रैटेजीज आपके लिए बनाते रहती हूँ. ऑलवेज फंडामेंटल न्यूज़ का सपोर्ट आपको देती हूँ. तो चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा. पिछला हफ्ता काफी उतार चढ़ाव हमने देखा. विक्स वॉलेटाइल इंडेक्स जो था वो काफी मूवमेंट भरा था. अब विक्स जो था वो वॉलेटाइल इंडेक्स जो था तो काफी उतार चढ़ाव था, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हम लोग स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं. काफी उतार चढ़ाव हम स्टॉक मार्केट में देख ही लेते हैं. अब इसका इफेक्ट कौन से सेक्टर्स पे पड़ा. काफी सारी आने वाले हफ्ते में भी काफी सारी चीजें होने वाली है, जैसे कि क्रूड ऑयल हमने देखा 69.16 और 69.55 डॉलर के बीच में था प्रति बैरल. अब देखिए फंडामेंटल अगर चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो फंडामेंटल क्रूड ऑयल मैटर करता है, फंडामेंटल गोल्ड और सिल्वर मैटर करता है, फंडामेंटल विक्स मैटर करता है, फंडामेंटल पीसीआर पुट कॉल रेशियो भी उतना ही मैटर करता है. उससे बायर सेलर्स डिमांड एंड सप्लाई हमें मार्केट में पता चलती है. काफी सारी फंडामेंटल न्यूज, अब जैसे सिंपल एक न्यूज अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर्स में जो प्राइवेट कंपनीज है जो बाहर से आके अपने कंट्रीज में टेलीकॉम रिलेटेड चीजों का सेल करना चाहते हैं तो उनको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है. आप कर लीजिए बिजनेस, बट जो भी रॉ मटेरियल लगेगा वो आपको इंडियन कंपनीज से ही खरीदना पड़ेगा. अब इंडियन कंपनीज, अब टेलीकम्युनिकेशंस के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो स्मार्ट लिंक, तेजस नेटवर्क, ये सारी चीजें जो बनाते हैं, जैसे ब्राउजर बना लिया, वायर्स है, काफी सारी चीजें है. अगर टेक्निकली आप ये सोचोगे कि कौन सी चीजें लगती है, बहुत छोटी छोटी चीजों की भी डिमांड बढ़ती है, तो वो कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ये जब आप फंडामेंटली फाइंड आउट करते हो ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपका प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ाता है. तो इसीलिए अगर प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ाना है तो आपको फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी करनी पड़ती है. और कितना भी आप सीखोगे तो खुद जब तक आप प्रैक्टिकली उसे अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में आने से रहा. क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो मैं कम से कम रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती हूँ. उसके बाद में इतने कॉन्फिडेंटली जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अभी इंश्योरेंस के लिए एक छोटा सा चेंज हो गया है. जो एफडीआई की लिमिट थी ना वो 74% हो गई. अब 74% होने से इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट हो रहा है. अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी का क्या फायदा है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. और कौन सी कंपनीज को इसका ज्यादा बेनिफिट होगा ये भी आपको देखना पड़ेगा. देखिए बातों बातों में मैं काफी सारी हिंट्स आपको देती हूँ, बट अभी यूएसए का जॉबलेस डाटा थोड़ा सा कम आया है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे हो सकता है. ईसीबी बॉन्ड्स खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट बता रही है तो उसका स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट क्या हो रहा है. अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत रिसेंटली काफी सारी जगहों पे, मतलब मैं औरंगाबाद में रहती हूँ तो मेरे यहाँ 2 दिन से पूरा लॉकडाउन है, 9 से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है. अब देखिए होटल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बैड न्यूज है कि 9 बजे के पहले ही इन्हें फटाफट अपना होटल बंद करना पड़ेगा, जबकि होटल्स 10, 11, 12, 1 बजे तक खुली रहती है, तो बिजनेस कम हो गया. तो ऐसे कौन सी चीजों पे और इफेक्ट होगा. अब ये हो गया कि बैड इफेक्ट होगा, अब अच्छा इफेक्ट कौन से कंपनीज पे होगा. देखिए अब घर पे ही रहना है आपको, मतलब वर्क फ्रॉम होम करना है तो वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपके पैसे बचेंगे. आपके पैसे जब बच रहे तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे. अब ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आप डेबिट कार्ड का यूज करोगे. अब काफी सारी जगह हम लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे तो क्रेडिट कार्ड की डिमांड बढ़ेगी, डेबिट कार्ड की डिमांड बढ़ेगी. ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो अमेजोन जैसे शेयर्स बढ़ेंगे. फिर होटल इंडस्ट्री अगर आप अगर देखो, फिर ट्रैवलिंग बंद हो जाएगा, फिर आप घर पे रह के नई नई चीजों की रेसिपीज ढूंढोगे तो यूट्यूब चैनल्स, फिर आईटी सेक्टर्स की डिमांड बढ़ेगी. सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आईटी सेक्टर्स, फाइनेंस सेक्टर्स, ऑनलाइन सेक्टर्स, ऑनलाइन में कौन सी चीजों की डिमांड क्यों बढ़ेगी ये आपको सोचना पड़ेगा. छोटी छोटी हिंट्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेती हूँ. अब आने वाला हफ्ता जो है, पूरा हफ्ता जो है आईपीओ से भरा हुआ है. फिर नजारा टेक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कल्याण ज्वेलर्स है, क्रॉप समन ऑटोमेशंस है, लक्ष्मी एग्रीमेंट्स है, अनुपम रसायन. इतने सारे आईपीओ का भंडार अगले हफ्ते खुलने वाला है. सो बी रेडी. बस यही मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट के साथ जो शेयर कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेते हैं तो मैं पूरे 2 घंटे हम लोग आईपीओ पे डिस्कस करते हैं.
इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है उसे अगर आप खरीद रहे हो, आप देखिए लॉट्स ऑफ आईपीओस आने वाले, उसमें से बेस्ट कौन सा है और मैं उसे क्यों खरीदूं, ये अगर अगर आपको जानना है तो इसलिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। यही मतलब फंडामेंटल ही आपको स्टडी करनी पड़ेगी। कंपनी की हिस्ट्री आपको पता है तो देख लीजिए, फंडामेंटल्स देख लीजिए, फ्यूचर प्लानिंग्स देख लीजिए, काफी सारी चीजों का स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके इतने आईपीओ में से बेस्ट कौन सा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा और तब आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है, किसने बता दिया आपने इन्वेस्ट कर लिया खत्म, ऐसे नहीं होता है। जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना तो आपको खुद को, आपने मेहनत की है, आपने वो सेविंग्स अलग निकाले हैं, आपके जो खर्चे थे वो कम करके आपने सेविंग्स करने की कोशिश की और वो सेविंग आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो वो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मल्टीप्लाइड होनी चाहिए और वो मल्टीप्लाइड होने के लिए खुद का दिमाग यूज करोगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी मल्टीप्लाई। दूसरों का दिमाग यूज करोगे नो डाउट होगा, बट जिस तरीके से आप खुद का दिमाग यूज करोगे, आप खुद की स्ट्रैटेजीज वहां पे लगाओगे, सीख लीजिए उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा टाइम जाएगा बट लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। यस, अब बात करते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, कैसे रहेगा निफ्टी का लेवल। लास्ट वीक में आप लोगों के साथ निफ्टी का लेवल नहीं शेयर कर पाई थी, बट हाँ मैंने मेरे स्टूडेंट्स मेरे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था। यस, दोनों टारगेट परफेक्टली अचीव हुए थे, इवन डे वाइज भी जो टारगेट देती हूँ वो भी परफेक्टली अचीव होते हुए हमने देखे थे। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन देखू तो शनि और गुरु का साथ है, अब दोनों भी मतलब आक्रामक शेयर हम लोग इसे बोल सकते हैं, काफी आक्रामकता दिखाई पड़ेगी मार्केट में, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, काफी वॉलेटाइल मार्केट रहेगा और ये रहेगा अप्रैल तक, मतलब मार्च एंड तक अगर आप देखोगे। बट सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, जब भी मार्केट नीचे आ रहा है ना, एफआईज होने दीजिए, डीआई वाले जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर, इमिजिएटली बाइंग शुरू कर रहे हैं। इमिजिएटली जब बाइंग शुरू कर रहे हैं ना तो उस वजह से मार्केट जो है ना वो नीचे आने की कोशिश नहीं करता है, थोड़ा भी नीचे आता है तो आपने देखा बाउंस बैक दे रहा है, तो ये भी प्लैनेटरी डायरेक्शन के वजह से कभी कभार हो जाता है। देन लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मार्च एंड के वजह से आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, बट गोल्ड के बारे में अगर मैं आप लोगों के साथ आज बहुत बड़ी बात शेयर करूं, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि गोल्ड में कहीं ना कहीं थोड़ी मंदी आ सकती है, और यस उसी तरीके से अब फंडामेंटली चीजें जब आप लोगों के साथ शेयर करती हूं तो क्यों नीचे आ सकता है, क्रूड ऑयल के वजह से गोल्ड पे कितना असर होता है, स्टील पे कितना असर होता है, रॉ मटेरियल पे कितना फर्क पड़ता है, उसी तरीके से अगर डॉलर क्रूड ऑयल इन सारी चीजों का कैलकुलेशन करो, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन करो, तो यस गोल्ड कहीं ना कहीं मुझे और नीचे आते हुए दिख रहा है। अगर गोल्ड में जो कमोडिटी ट्रेडर्स है जो हमेशा मुझे गोल्ड के बारे में पूछते हैं, 43,000 के आसपास आप उसे खरीदना शुरू कर सकते हो। यस, जिन्हें अपने बच्चों की शादी के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, स्टॉक मार्केट है, ऑलवेज आपका इन्वेस्टमेंट कहीं वेस्ट नहीं होने वाला है, इन तीन चीजों में हमेशा इन्वेस्टमेंट करिए। मेरा तो बहुत अच्छा फंडा होता है, टचवुड की स्टॉक मार्केट मुझे बहुत अच्छा पैसे देता है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं, मैं शॉर्ट टर्म करूं, मेरा लक इतना अच्छा चल जाता है कि कुछ भी मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मैं बहुत सोच समझ के करती हूं, बट जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूं मुझे बहुत अच्छे से रिटर्न मिल जाते हैं, और वो रिटर्न मैं स्टॉक मार्केट में वापस इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ। बहुत अच्छी टिप मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, जो पैसे आपको स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट से मिलते हैं उसे बाहर निकालिए, वो गोल्ड में डालिए, वो प्रॉपर्टी में डालिए, वो एफडीज करिए, व्हाटएवर आपको जो करना है, बट वो री इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में कभी मत करिए। ये सबसे बेस्ट रूल है स्टॉक मार्केट का जो मैं फॉलो करती हूँ। ये सनसेक्स का जो क्लोजिंग था वो था 50,792, जा सकता है 42,000 के आसपास और नीचे आ सकता है 48,500 के आसपास। सनसेक्स का भी लेवल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बैंक निफ्टी 35,496, 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे का फ्लक्चुएशन अब बैंक निफ्टी में, 500 से लेके 1000 पॉइंट तक का भी हम लोग डिफरेंस इस बार बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि डिजिटल पेमेंट ज्यादा बढ़ गया तो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए अच्छा है, डे बाय डे गवर्नमेंट काफी सारी पॉलिसीज दे रही है, उसका भी इफेक्ट हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे। अब फेवरेट टॉपिक आपकी निफ्टी 15,031, मतलब 15,031 पे क्लोजिंग हुई है। यस,
फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी का, अभी लिख लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना बेटर रहता है मेरे लिए भी। तो 15,031 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 15,124 फर्स्ट टारगेट, 15,198 सेकेंड टारगेट, 15,260 अगर ये तीनों क्रॉस करती है तो 15,490 तक हम लोग देख सकते हैं आने वाले 15-20 दिनों में, हफ्ते भर में 124 ऊपर 198 260 तक हम लोग देख सकते हैं। नीचे की बात अगर करें तो यस, सीधा एक ही लेवल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, 14,800 मतलब यहां से 200 पॉइंट निफ्टी आई एम श्योर नीचे आ सकती है। तो इन सब चीजों का कैलकुलेशंस करके हमने आज मैंने आप लोगों के साथ, यस एज ऑलवेज आपको तो पता है विदाउट स्टडी में आप लोगों के साथ नहीं आती हूँ, सारा स्टडी करके टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी फंडामेंटल स्टडी करके आपके साथ निफ्टी का लेवल शेयर कर रही हूँ। और यस ये परफेक्टली डन होने वाला है ही, ये पकड़ के प्रॉफिट बुकिंग करिए, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का फायदा आपको होता ही है। टिल देन गाइज, हैप्पी प्रॉफिटेबल वीक।